कि ड्रग्स कनेक्शन में हर बड़े खुलासे पर माई नजर बनी हुई है। ड्रग मंडली में सामने आने वाला एक नया नाम आज तक पर बेनकाब हो रहा है। दीपिका पादुकोण पर भी ड्रग्स देने के आरोप हैं। एनसीबी को दीपिका पादुकोण का ड्रग चैट मिला, जिसमें वो क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। एनसीबी ने सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा और श्रुति मोदी के अलावा आज करिश्मा को भी पूछताछ के लिए समन किया है। करिश्मा कई और राज से पर्दा उठा सकती हैं। आज रिया की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेजा गया था, भाईकला जेल में वो बंद है, तो आज इस मामले पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हस्ती का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। आरोप है कि ड्रग चैट में दीपिका ड्रग के बारे में कुछ पूछ रही है, और दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। लेकिन दीपिका पादुकोण का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब एक बार फिर वही सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से दीपिका का नाम सरफेस हुआ है इस पूरे मामले में, आगे और कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं। जिन 25 नामों की सूची बनाई गई थी उन 25 नामों में से एक नाम दीपिका पादुकोण का है, लेकिन ये आंच बॉलीवुड के और किन बड़ी हस्तियों तक पहुंचेगी। लेकिन इस बीच ये वो ड्रग से जुड़ा चैट भी है जो दीपिका और करिश्मा के बीच हुआ। दीपिका ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल है, करिश्मा ने हाँ में जवाब दिया और दीपिका ने फिर उसे मांगा। ये देखिए हैश है ना, गांजा नहीं। तो ये जो कॉन्वर्जेशन है ये अपने आप में इस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन में अहम मोड़ लेकर आया है, क्योंकि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम इस मामले में फंसना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आगे और कितने लोग इस पूरे सर्कल में हो सकते हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त मुनीश पांडे जुड़ गए हैं। मुनीश, जैसे ही दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है, यकीनन इस मामले में सनसनी मचना तो लाजमी था, लेकिन अब जब ये नाम सामने आया है ये कितनी बड़ी मुश्किल दीपिका के लिए लेकर आया, और आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगा, यानी समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, उनसे जुड़े हुए कुछ और नाम भी आगे एनसीबी के रडार पर हो सकते हैं? जी देखिये, बिल्कुल, दीपिका का नाम आने के बाद में बॉलीवुड में सनसनी मचना तो लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपिका टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेस है और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका भी नाम ड्रग्स चैट्स में आएगा। और क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए ऐसे ही ड्रग्स चैट के केस के आधार पर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा हुआ था, और रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ की गई तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और तमाम ऐसे नाम बेनकाब हो गए थे एनसीबी के सामने। तो कुल मिलाकर उस वक्त भी आधार ये व्हाट्सएप चैट थे, और कहीं ना कहीं अब जब दीपिका का नाम सामने आया हुआ है तो आज जो पूछताछ होनी है वो बेहद अहम है, क्योंकि करिश्मा जो शख्स हैं जो कि कौन कंपनी के लिए काम करती हैं, जया शाह के अंडर में थी, जया शाह से पूछताछ के दौरान करिश्मा का नाम सामने आया था, तो करिश्मा से आज जब पूछताछ होगी तो सबसे पहले एनसीबी यही जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये व्हाट्सएप चैट वो एक्नॉलेज करती हैं या नहीं करती हैं, ताकि यह साबित हो पाए, प्रमाणित हो पाए कि ये व्हाट्सएप चैट सही है। इसके अलावा जब ये बात साबित हो जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि दीपिका को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैट में जो ड्रग्स की बातें हो रही हैं वो हैश यानी कि चरस, वीड यानी कि गांजा, इसको लेकर बात हो रही है, और ये दोनों के दोनों इस्तेमाल करना या इनकी खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आज का दिन, और आज की पूछताछ के बाद में हो सकता है कि एनसीबी जल्द ही दीपिका पादुकोण को भी समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है।